मुंबई के अंदर डी कंपनी, उसका गैंग और उसके गैंग का नेटवर्क किस तरह से फैला हुआ था, यह बात आप हमारी अब तक की वीडियोस को देखकर समझ ही गए होंगे। उस दौर में मुंबई के अंदर डी कंपनी के लोग कौन हैं और कौन नहीं, यह बता पाना काफ़ी मुश्किल था, इसीलिए पुलिस भी इतने सालों तक गुमराह होती रही। आज की यह कहानी हम उस एक हसीना की सुनाने वाले हैं जो छोटा शकील को अपने इशारों पर नचाती थी। और मजे की बात तो यह है कि डी कंपनी में नंबर दो की हैसियत रखने वाला छोटा शकील उसके इशारों पर नाचता भी था। आखिर कौन थी वो हसीना और क्या है छोटा शकील से इसके रिश्तों की कहानी, आइए आपको सुनाते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bijhodjora.com का यूट्यूब चैनल। ये लड़की थी मुंबई की गैंगस्टर रुबीना सईद सिराज, जिसे छोटा शकील अपनी हीरोइन कहकर बुलाता था। ऐसा कहा जाता है कि रुबीना इतनी खूबसूरत थी कि छोटा शकील ने मुंबई का अपना सारा कारोबार उसे ही सौंप दिया था। मुंबई हमलों के बाद तो छोटा शकील देश से फरार हो गया था, इस दौरान उसकी ये गर्लफ्रेंड ही उसका पूरा नेटवर्क देखा करती थी। यहाँ तक कि उसके पैसों का सारा हिसाब किताब भी रुबीना के पास ही रहता था। मुंबई में किडनैपिंग और फिरौती वसूलने का काम भी रुबीना लंबे समय तक करती रही। वैसे अगर आप छोटा शकील की पूरी कहानी को देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, हमने उस वीडियो में भी रुबीना का जिक्र किया है। रुबीना की मुलाकात छोटा शकील से मुंबई में ही हुई थी। छोटा शकील दक्षिणी मुंबई के नागपाड़ा का रहने वाला था और अपने शुरुआती दिनों में वह एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था। साल 1988 के बाद वह दाऊद के गैंग में शामिल हो गया। इसी दौरान उसकी जान पहचान रुबीना से हुई थी। रुबीना भी मुंबई में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। उसका पार्लर ठीक ठाक चल भी रहा था, लेकिन वह और पैसा कमाना चाहती थी और जब उसकी मुलाकात छोटा शकील से हुई तो वह तुरंत उसके साथ जुड़ गई। इसके बाद वह अपने पार्लर की आड़ में ही काले कारनामों को अंजाम देती रही। वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल पुलिस वालों को बरगलाने में करती थी और जो पुलिस वाले अपनी लंगोट का ढीला रहता था वह आसानी से रुबीना के बुने हुए जाल में फंस जाता था। इसके बाद वह अपनी अदाओं से मुंबई पुलिस के कई लोगों से जरूरी सूचना निकलवाकर छोटा शकील तक पहुंचाती रही। धीरे धीरे वह छोटा शकील के गैंग में काफ़ी ताकतवर बन गई थी। एक तरफ वह डॉन के दिल में बसती थी और दूसरी तरफ अपने शातिर दिमाग और खूबसूरत चेहरे की मदद से छोटा शकील के गैंग को मजबूत कर रही थी। इस गैंग में उसका रुतबा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि दूसरे गैंगस्टर उसे पठान कहकर बुलाते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी जो रुबीना की कोई भी बात को काट सके। रुबीना काफ़ी समय तक छोटा शकील के साथ रही। वह उसकी खूबसूरती का इतना कायल था कि वह उसे कुछ भी नहीं कहता था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उसके और छोटा शकील के पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसने लड़ाई का रूप ले लिया। उस समय रुबीना ने छोटा शकील की पत्नी को ही धमकी दे डाली थी। इसके बावजूद छोटा शकील ने उसे कुछ नहीं कहा। उस वक्त रुबीना का यह किस्सा अंडरवर्ल्ड में काफ़ी मशहूर हुआ था और ये घटना रुबीना के उस ताकत का गवाह भी थी जो वह बीते कुछ सालों में बनाई थी। वैसे रुबीना के ऊपर तो कई केस दर्ज थे, लेकिन पुलिस से उसकी सेटिंग भी जबरदस्त थी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी अदाओं के कई पुलिस वाले दीवाने थे। मुंबई धमाकों के बाद जब छोटा शकील देश से फरार हो गया तो अपनी सेटिंग के बदौलत ही वह जेल में बंद उसके गुर्गों तक हथियार सप्लाई करती रही। डॉन के गुर्गों को खाना सप्लाई करना, रुपये पहुँचाना या फिर हथियार देना, ये सब काम छोटा शकील ने अपनी इस खूबसूरत हसीना को ही सौंपे हुआ था। उसे अपनी गर्लफ्रेंड के काबिलियत पर पूरा भरोसा था और रुबीना को अपने खूबसूरत चेहरे पर। वह कई पुलिस वालों को अपने हुस्न के जाल में फंसा चुकी थी और उससे लगातार अपना काम भी निकलवाती रहती थी। लेकिन हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है और अब रुबीना सईद सिराज का टाइम भी
खत्म होने वाला था। उसके ऊपर अपहरण, फिरौती, लूटपाट, हथियार रखने जैसे कई अपराध दर्ज हो चुके थे। पुलिस ने उस पर मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस भी अब उसके पीछे लग चुकी थी। अपने हुस्न और शातिर दिमाग के दम पर मुंबई की यह लेडी गैंगस्टर लंबे समय तक पुलिस से बचती रही और छोटा शकील के लिए उस क्राइम को अंजाम देती रही। दाऊद इब्राहिम भी छोटा शकील की इस महबूबा के कारनामों से वाकिफ था और वह भी उसे शाबाशी देते हुए पीछे नहीं हटता था। मुंबई में उस वक्त इस लेडी डॉन का खासा जलवा हुआ करता था, लेकिन थोड़े समय बाद इसका भी टाइम खत्म हो गया। दाऊद गैंग पर पुलिस काफ़ी सख्त हो चुकी थी और इसी दौरान रूबीना के ऊपर भी मकोका लगाया जा चुका था। इसके बाद वह ज़्यादा दिनों तक बाहर नहीं रह सकती थी और फिर एक दिन वह पुलिस के गिरफ्त में आ ही गई। उसके ऊपर मकोका के तहत केस चलाया गया और उसे जेल हो गई। उसके आगे पीछे तो कोई था नहीं और जो भी उसके गैंग के थे वे भी पुलिस के डर से अंडरग्राउंड हो गए थे, जिसके बाद में वह काफ़ी लंबे समय तक मुंबई की भाईखला जेल में बंद रही और फिर वहीं पर बीमार पड़ने से उसकी मौत हो गई। तो यही थी छोटा शकील की कातिल हसीना रूबीना सईद सिराज की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।